हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे संडे के तीसरे टेस्ट की। दोस्तों इससे पहले पहले दो टेस्ट आ चुके हैं संडे के, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद वो भी देख लीजिएगा। होता क्या है, इस टेस्ट में होते हैं आपके 10 क्वेश्चन और आपको जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में बताने होते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिए होते हैं, ये आपको ही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में राइट करने होते हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के रिगार्डिंग हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर ऑन करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अजोन परत कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी से लिया गया है, लंबोदर कौन सा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोना कौन सी संज्ञा है। दोस्तों वही क्वेश्चन है जो हम वीक में पढ़ते हैं, पूरे सप्ताह में पढ़े होते हैं, वही क्वेश्चन होता है, ये बेसिकली आपका रिवीजन टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने मात्रक बताना है, आपने यूनिट बतानी है। फिजिक्स में हमने पिछले ही हफ्ते यूनिट का चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि तीव्रता की एक यूनिट थी, वो आपने बतानी है। नेक्स्ट है आपका सेवन्थ क्वेश्चन, योति फ्लक्स ल्यूमिनस फ्लक्स की आपने ये बताना है कि होता क्या है और इसकी यूनिट क्या है, ठीक है, इसकी इकाई क्या है। नेक्स्ट है आपका आठवां क्वेश्चन और नौवां और दसवां। आठवां क्वेश्चन क्या है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। क्या है क्वेश्चन, डेसिबल शब्द जो है वो किससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से लिया गया है, जैसे पेड़ जो है वो मटन से संबंधित है, हिरण किससे संबंधित होगा। जैसे पेड़ का मीट जो होता है वो मटन कहलाता है और हिरण का मीट क्या कहलाता होगा, यह है पिछले ही अपने हमने पढ़ा था, ये आपने अभी जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। मिट्टी का चैप्टर भी हमने जियोग्राफी का कंप्लीट किया है लास्ट वीक और इसी सा एक क्वेश्चन लिया गया है, काली मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, इनका जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने से क्या होता है कि सर्च, अगर आप सर्च एक चीज़ को करोगे तो उससे साथ साथ आपको जो है वो और भी चीज़ें पता लग जाती है। यदि आपने वो नहीं करना है तो आप जो है वो पिछली वीडियो देखिए और उस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद इस टेस्ट अटेम्प्ट करिए, तो आपके जो है वो 10 out of 10 आने चाहिए। ये आपकी जिम्मेवारी है, कैसे आने हैं आप पढ़ कर दीजिए या सर्च करके दीजिए। यदि आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको पेपर में सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पर आप अपने आप जवाब दे पाओगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर जरूर करें, दोस्तों तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।